सो हियर व्हाट्स अप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज योर सूरज शर्मा। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज अपन लोग तिलना नेवरा का जो थर्ड पार्ट होने वाला था वो शूट करेंगे। तो आज के सीन में कुछ ऐसा रहेगा कि तिलना नेवरा में जितने भी जैसे कि टेम्पल्स वगैरह समथिंग और जो जो कुछ प्लेस है वो लोग को आपको दिखाएंगे पूरा, और घुमाते तिलना नेवरा को फिर से आज थर्ड व्लॉग में, मतलब पार्ट थर्ड है ये। तो पीछे अपने त्रिलोक भाई अपना गाड़ी सामने में खड़ा है, तो अभी देखते हैं सीन। और राज भाई का कुछ सीन हो चुका था, मतलब वो जा रहे थे अपने कहाँ कुछ क्रूज समथिंग, तो ना पेट्रोल पंप में कुछ रिएक्शन वीडियो बनाए थे, तो उनको अभी राज भाई अपना उसमें अपलोड किए हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्टा पे। तो वो जो दीदी थी जिसने रिएक्शन दिया था उन्होंने वीडियो वगैरह डिलीट करने को बोला है, वरना पुलिस में चले जाऊंगे ऐसे करके। तो चलते हैं सिर, राज भाई तो बाहर जा चुके हैं, तो राज भाई ने मेरे को बोला था कि भाई जाके देख लेना, संभाल लेना जो भी है करके। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं सीन क्या क्या है, वो दीदी का क्या प्रॉब्लम है, मतलब वीडियो वगैरह डिलीट करना पड़ेगा या नहीं करके। तो चलते हैं अभी सबसे पहले पेट्रोल पंप, फिर मिलता हूँ आपको सीधा पेट्रोल पंप में जाके। अगर दी वीडियो शूट करने देगी वो तो करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो बताता हूँ सीन की क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो चलते हैं अभी सबसे पहले पेट्रोल पंप में तुलसी के। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब धूप नहीं है। और अभी अपन लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट टेंपल पे, इधर से मेरे घर आ जाते हैं कोंका, और यह साई धाम करके फर्स्ट टेंपल है यहाँ मेरे घर के पास जो पड़ता है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये साई धाम है फर्स्ट टेम्पल यहाँ का, ये अभी बना है, बहुत मस्त है एकदम एकदम बोले तो झकास। तो बाहर का सीन कुछ ऐसे देख सकते हो, इधर पेड़ वगैरह लगे हैं अभी बड़े नए, सब नए नए अभी। और ये साई धाम मतलब साई बाबा का मंदिर है ये। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन यहाँ का। अपने साहिल भाई भी आ चुके हैं और अपने त्रिलोक भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, अभी देख सकते हो यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह का काम चल रहा है, और अपने साहिल भाई मित्र लोग भाई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ने देखा, ये यहाँ का साई धाम के अंदर साई बाबा का मंदिर, ये अंदर से ऐसे कुछ दिखता है। और इसके नीचे में भी जगह है, मतलब दिखाता हूँ आपको नीचे में जो तल घर बोलते हैं उसको, अपन लोग के घर साइड या सीसीटीवी का कुछ इस प्रकार का। आप उन यहाँ पे खड़े हैं तो ऐसा सीन है। और यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, नीचे में भी अंदर में भी एक मंदिर है, तो देख सकते हो आप लोग। सो फ्रेंड्स, ये सीन कुछ नीचे का ऐसे चेकआउट कर सकते हो आप लोग। और ये अपना फर्स्ट मंदिर था, इसके बाद अपन लोग चलेंगे अभी वेंकटेश्वर मंदिर पे, जो इसके पास में जस्ट वहाँ पे चलेंगे। तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं वेंकटेश्वर मंदिर के लिए। चलो तुम मनाते हैं साहिल का ही निकाल और ब्लॉग बना ले। हो गया गाइस। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपन लोग आ चुके हैं यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर पे, तो बंद नहीं है ये अभी। तो अभी चलते हैं, यहाँ का सीन दिखाता हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मंदिर अंदर से भी बाहर से भी। तो ये कुछ इस प्रकार का सीन है यहाँ पे, यहाँ पे होता है यज्ञ वगैरह, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है, और इधर शायद यहाँ के महाराज लोग वगैरह नीचे में रहते हैं, ऊपर में है मंदिर, लॉक है शायद मंदिर लगता है, देखते हैं सीन चेक करते हैं जाके। दिल मेरा पर तुम सुनना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना, गाय हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम, सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुम।
फ्रेंड्स, मंदिर तो अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है। सब पूरा बंद हो चुका है। देखते हैं शाम को आएंगे यहाँ फिर से एक बार दर्शन करने के लिए। अभी तो फिलहाल बंद है। बहुत गर्म, बहुत गमर रहा है गाइस। अभी सब भगवान लोग अभी सो रहे हैं, तो अपन लोग शाम को आएंगे क्योंकि खाम है अभी। अब पड़ किन आहक किन कतने कन साहिल इधर बहुत खाम है, इसलिए आराम कर रहे हैं भगवान लोग। कतने कन खाम है भाई, आहक बता नहीं सकूं आहक किन। हां तो इससे हो जी नहीं बना सक बता सक। वंस मोर कन खाम है भाई, तो चलते फ्रेंड्स यहाँ से कुछ और मंदिर, दूसरे मंदिर पे, क्योंकि ये तो बंद है अभी। इसका शाम को अपन लोग शाम को शूट करेंगे इसका वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ने देखा कि अपन लोग सुबह को निकले थे व्लॉग शूट करने के लिए, जो मतलब थर्ड पार्ट था दिल्ला नेवरा का, उसके लिए। तो उतना टाइम मंदिर वगैरह बंद हो गए थे पूरा। तो अभी फिर से अपन लोग निकल रहे हैं व्लॉग शूट करने के लिए। ये पीछे में अपने त्रिलोक भाई हैं और इधर अपने विशु भाई हैं, जो घर का लॉक कर रहे हैं पूरा। फिर इसके बाद मैं चलूँगा पापा का गाड़ी उठाने, फिर वहाँ से अपन लोग पापा का गाड़ी और मैं मतलब त्रिलोक भाई पापा गाड़ी पकड़ेंगे और मैं अपना गाड़ी पकड़ के सीधा अपन लोग गाँव चले जाऊँगा मैं आज ही। तो आज के आज मेरे को कैसे भी करके ये वाला व्लॉग शूट करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा। तो नाइट वगैरह हो जाएगा लगता है। अभी शाम हो चुका है बहुत ज़्यादा, बादल वादल है ऊपर में, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अपने वेंकटेश्वर मंदिर पे, वहीं पे आए थे अपन लोग, तो वाला बंद था मंदिर। तो अभी चलते हैं वहीं पे, फिर मिलता हूँ आप लोग को सीधा। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अपन लोग पहुंच चुके हैं वापस से अपने वेंकटेश्वर मंदिर पे। तो ये श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, श्री गोकर्ण भक्ति धाम आश्रम। तो ये है सीन बाहर से, कुछ ऐसा है, देख सकते हो ये मंदिर आज हो चुका है पूरा ओपन। चलते हैं आप अंदर और दिखाता हूँ आप लोग को सीन, इधर का गली वगैरह, और ये जो साई धाम जाने के लिए रास्ता ये वाला है। तो भी चलते हैं अंदर। चलते अभी अंदर, ये सीन है। यहाँ थी मेरा साथी अपने विशु भाई और तीनोचन भाई। तो चलते हैं अभी ऊपर। मतलब गलत कर दे नाम, त्रिलोक भाई हैं। चलो। गाड़ी स्टार्ट कर। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से व्यू बहुत ज्यादा प्यारा आ रहा है। हटवे तो मत जाए मेरे में दाता, गजब बेइज्जती है यार। मेरे घंटी नहीं का घंटी बजा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अपन लोग आ चुके हैं अंदर मंदिर के। तो इस प्रकार का मंदिर है कुछ। यह है मेन मूर्ति वेंकटेश जी का, और अगल बगल भी है मूर्ति। कर सकते हो सेकंड वाला मंदिर, मतलब सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला। तो इस प्रकार के हैं मूर्ति वेंकटेश जी का। और इधर से आप लोग को दिखाता हूँ बैक में कुछ। ये पूजा पाठ का ऑटोमेटिक वाला देख सकते हो आप लोग। और इधर अपने तिलक भाई लोग खड़े हैं।
सही था वेंकटेश मंदिर तो यहाँ। सो फ्रेंड देख सकते हो अंदर का सीन कुछ ऐसा था, तो बाहर में भी छोटे छोटे मूर्ति हैं, तो ये राधा कृष्ण जी का मूर्ति है। बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आरे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आरे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देखिए था कुछ इस प्रकार का सीन वेंकटेश्वर मंदिर का। तो इसके बाद अपन लोग चलेंगे सेकंड वाले मतलब थर्ड वाले मंदिर में। फर्स्ट अपना साई धाम था, सेकंड वेंकटेश्वर मंदिर, यहाँ से जो पास पड़ेगा वहाँ चलते हैं। तो मिलता हूँ आप लोग को सीधा वहीं पे पहुँच के। जैसे कि आप लोग ने देखा अपन लोग गए थे इधर वेंकटेश्वर मंदिर, यहाँ पे सामने पे था, तो अपन लोग जस्ट आ ही रहे थे कि अपना बाइक का टायर पंचर हो चुका है, दिखा दो। तो भाई दबा के दिखाते एक बार, पूरा दब रहा है भाई, ये तो पूरा खत्म हो चुका है, इसका पीछे का टायर पंचर हो चुका है। तो अभी देखते हैं सीन, देखते हैं कि क्या करते हैं। अपने विशो भाई एकदम क्या बोलते हैं उसको, समस्या में पड़ चुके हैं कि कैसे करें ना कैसे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तिलोक भाई का भी फट चुका है एकदम तरीके से, हालत खराब दे एकदम। और तो चलते हैं देखते हैं सीन, आज ही शूट करने मेरे को कैसे भी करके तो बनाते हैं कुछ इसका जुगाड़ उगाड़। नहीं तो अपने त्रिलोक भाई है ना, गाड़ी पहनने के लिए टेंशन नहीं है, वो धक्का देते देते लेके जाएंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। बैठो यार बस तुम दोनों। ये दे बोल रहे जैसे कि अपन लोग बैठेंगे और ये धक्का देगा भाई, तो देखते हैं हम चलते हैं वही धक्का वगैरह लगाते हुए अपने बाइक को। चलो ये गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट कर, अपने विशु भाई हैं इससे, मतलब ये नहीं आते हैं व्लॉग में क्योंकि ये तो घर में नहीं रहते, बाहर रहते बहुत ज्यादा। तो आज इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इधर देख भाई, ये अपने विशु भाई हैं एकदम फुल पावर, और ये मेरा पार्टनर है एकदम जिगरी, कहीं घूमते हैं हम दोनों को एकदम बाइक में बैठ के। तो बाइक तो नहीं है, क्या करें पैदल घूम रहे हैं। तो मिलता हूं आप लोग को सीधा पंचर बनने के बाद। चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन। जैसे कि देख सकते हो अपन लोग का टायर बन रहा है, अभी पंचर हो चुका था तो उधर है अपना टायर बन रहा है, अभी देखते हैं फिर सीन वगैरह चेक करते जाएंगे। इधर अपने मौली मंदिर के लिए वो भी गए थे, वो भी बंद था, तो अभी चलते हैं, अभी खुल गया है। संस्कार भाई ने कॉल किया था, अपने एक जन है उधर रहता है संस्कार, तो उसने कॉल किया था, भाई ने बताया कि खुल चुका है, ओपन हो चुका है मंदिर। तो चलते हैं अभी वहीं पे सीन चेक कराता हूँ आप लोग को वहाँ के मंदिर। अभी खुला फाटक, जस्ट अपन लोग निकल चुके हैं फाटक से जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पिछले व्लॉग्स में बताया था मैं कि इधर है मौली मंदिर जो तिलदा में पड़ते हैं स्टेशन के पास, जो फाटक वगैरह क्रॉस करोगे उसके बाद। तो अभी संस्कार भाई भी वहीं पे बोल रहे थे आ जाओ भाई करके कॉल किया था, और कि मतलब मंदिर खुल चुका है भाई, आ जाओ वीडियो शूट करेगा तो करके। तो अभी चलते हैं वहीं पे, दिखाता हूँ सीन करके, चेक कराता हूँ आपको। करे जो मन माने मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। संस्कार भाई फुल पावर एकदम कॉल वॉल में बात करते हुए, ये अपने संस्कार भाई हैं फुल पावर। तो ये इसी भाई ने बताया कि मंदिर ओपन हो चुका है भाई, वीडियो शूट करने के लिए आ जा करके। तो चलते हैं अभी अंदर का सीन चेक कराता हूँ आप लोग को भाई। इधर जैसे कि देख सकते हो इधर और मंदिर भर है राम भगवान जी का, और ये मौली माता का मंदिर है अंदर में जैसे कि देख सकते हो। तो चलते हैं अभी यहीं पे अंदर सबसे पहले।
कोई ए सी नहीं इधर का, और इधर बन रहे अभी मौली, मतलब मौली माता का मंदिर है, और इधर इस साइड बन रहा है श्री राम भगवान जी का मूर्ति, और अंदर में काली माता का मूर्ति दिखाता हूँ आप लोग को, चेकआउट कराता हूँ सब। तो अभी चलते हैं सबसे पहले वाले मंदिर को, अंदर नहीं चल देते, अंदर नहीं चल देगा पूरा, तो ये है मौली माता जी का मंदिर, मतलब मौली माता है देख सकते हो आप लोग। और काली माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, तो मैं तो पहली बार आया हूँ इस मंदिर पे, और अपने संस्कार भाई इधर ही रहते, तो यही बता रहे हैं सब चीज़ कि कहाँ से क्या जाना है करके। तिल्ला है फ्रेंड्स, ये तिल्ला में आता है ये वाला, मतलब स्टेशन के इस साइड, और उधर का जो दिखा रहा था आप लोग को वो नेहरा और तुलसी में आता है, जो शायद हम और वेंकटेश्वर। तो फ्रेंड्स वाला जो डोर था काली माता के जाने के लिए तो वाला बंद है अभी, तो चलते हैं अभी यहीं पास से। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है, अभी अपन लोग मौली, मतलब मौली मंदिर का शूट करके आए वीडियो, तो मैं इस वाले पार्ट में बस मेन मेन जो मंदिर है, जो फेमस है मंदिर दिल्ला नेहरा, मैं उन लोग को बस दिखा रहा हूँ। तो अभी अपन लोग आ चुके हैं ये भैरवगढ़ धाम पे, भवानी माता जी का मंदिर है यहाँ पे, तो दिल चलते हैं यहाँ पे। सीन है कुछ ऐसे इस प्रकार का, अंदर से सीन देख सकते हो एकदम फुल। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हो ये अपने तीनों भाई, अपने संस्कार भाई, अरे हमने बिशु भाई, बिशु बोलते हैं, और इधर अपन लोग चल रही है मंदिर है, तो अंदर में लगता है फुल पब्लिक है, लेकिन मेरे को शर्म आता है गाइस, देखते हैं वीडियो शूट करता हूँ फिर वॉइस ओवर करूँगा बाद में। गजब बेइज्जती है, शर्म बेच के, शर्म बेच खाए हूँ गाइस, बात अलग है, लेकिन शर्म बेच के, शर्म बेच खाए हूँ गाइस, बात अलग है, लेकिन फ्रेंड्स अपन लोग अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं ये गार्डन वगैरह है, मतलब समथिंग, और इधर मूर्तिज हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं, जैसे कि ये पहला मंदिर था अपन लोग का, दूसरा मंदिर ये वाला है, मतलब छोटे छोटे मंदिर से होते हुए जाएंगे और सीधा मेन मंदिर में लेके जाता हूँ फिर आप लोग को सीधा। अरे काली माता का मंदिर है, मेरी प्यारी काली माता, एकदम मस्त, देख सकते हो कितना प्यारा मूर्ति है अंदर में काली माता जी का, और ये अपने हनुमान जी का है मूर्ति यहाँ पे, यहाँ से दर्शन कर लो आप लोग। तो यहाँ से चलते हैं सीधा मेन मंदिर पे, अभी बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है, लेट हो गया पंचर होने के कारण अपन लोग को आने में इधर, तो ये वाला मंदिर में चलते हैं। ये दुर्गा माता जी का मंदिर है, अंदर में देख सकते हो जैसे कि आप लोग को पास से दर्शन कराता हूँ दुर्गा माता, इस प्रकार का सीन है। तो ये वाला मूर्ति था भवानी जी का। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा ये अपना थर्ड ब्लॉक था, मतलब पार्ट थर्ड था तिल्ला नेहरा के ऊपर, तो इसमें मैंने अभी सारे मंदिर को कैप्चर किया जो मेन मेन मंदिर थे, यानी तीन ही चार मंदिर है तिल्ला नेहरा में ऐसे जो फेमस है बहुत ज़्यादा, तो यही थे मंदिर, और बाकी मंदिर को मैं थोड़े दिन बाद बनाता हूँ ब्लॉग्स वगैरह में। तो आई होप कि आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को, छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाओ, और लाइक करो वीडियो को जितना से जितना हो सके, और शेयर भी करना। तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही न्यू कंटेंट्स और अमेजिंग वीडियो के साथ, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी